टाइगर लेके चला जाओ पागल पगया से भाई कैसे कैसे डाइनो रहते हैं भाई गेम के अंदर। मैं अपना शूट के लिए खड़ा भाई धक्का दिए जा रहा। बट एनीवे, सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है कंप्लीट कर सकते हो इस केव को, जो कि ऑफकोर्स हम लोग की लावा केव है। और इसकी लोकेशन में मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। लावा केव मतलब मैसिव भी कहते हैं, बट नीचे देखो साइड में एकदम नीचे वहाँ पे जो मेरा डॉट दिख रहा है वहाँ पे इस केव की लोकेशन है जहाँ पे मेरा वो ये दिख रहा है आपको कर्सर। सो सिंपली आपको जो इस जगह पे आ जाना है। और क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप यहाँ पे आओगे बहुत सारे जार्स या फिर वाटर स्किन भी आप बना सकते हैं चाहो तो, बट वाटर स्किन थोड़ी सी लीक होती है और जार नहीं होते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है। और हाँ, स्टिमुलेंट भी बना लेना, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टॉर्पर के बहुत ज़्यादा चांस, एक सेकंड, स्टिमुलेंट कहाँ गया भाई, रुको, यहाँ पे टॉर्पर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो। हाँ, ये 11 पे मैं खुला नहीं था, देखा नहीं शायद। सो यहाँ पे जो है टॉर्पर का थोड़ा सा चांस रहता है, इसलिए जो है स्टिमुलेंट बनाना मैं नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी असेंडेंट का आर्मर है जो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। सो ये देखो, ये मेरा पूरा असेंडेंट का आर्मर है। और क्या बोलते हैं, मैं बच बच के जाऊँगा और मेरे पास दूसरी ट्रिक है जिसकी वजह से कोई डायनो हमें नहीं मार पाएगा, इनफैक्ट कोई डायनो स्पॉन ही नहीं लेगा। सो अगर तुम लोग को भी जाननी है तो बस वीडियो से बने रहो। बाकी स्वॉर्ड लेके आपको सिंपली जो है केव के अंदर चले जाना है। और यहाँ पे तुम जो भी तुम्हें जिस हथियार पे भी भरोसा है वो, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफिक लो कर लेना पहले, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा गेम क्रैश मारेगा, और मैनुअल से भी कर ही लेना मतलब अगर कुछ हो, और टाइडी से हो यहाँ पे मत करना, मैं बता दूँ तुम लोग को टाइडी से हो क्या करना है, क्योंकि यहाँ करोगे तो डायनोज अंदर के जो है मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक आ जाना फिर यहाँ पे टाइडी से हो लगे तो कर लेना। और टाइडी से हो सिर्फ वही बंदे करेंगे, मैं यहाँ पे एक अच्छे से नोट बता दूँ, कान खुले रख के सुनो, टाइडी सेव सिर्फ वही लोग करने वाले। यहाँ पे पहले तो दो वेज आते, रुको मैं यहाँ पे नहीं, पहले तुम लोगों को क्योंकि रास्ते का कन्फ्यूजन नहीं हो, फिर यहाँ से पहले आपको ऐसे जैसे जाना है, और यहाँ पे रुको, ये सेफ ही जगह है वैसे तो। हाँ, सो सुनो, और टाइडी सेव सिर्फ वही बंदे करेंगे जिन्होंने बाहर ऐसा लाइक आपने कोई अच्छे लेवल का डायनो टीम के लिए ढूंढ के नहीं रखा हुआ या ट्रैप करके नहीं रखा, क्योंकि जैसे आप टाइडी सेव करोगे सारे डायनोस आपके रेंडर के बाहर के वाइप हो जाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं टाइडी से वापस एक बार कर दिया। अब क्या होगा कि जितने भी रेंडर के बाहर के डायनोस है लाइक वो केव के अंदर के और बाहर के सब उड़ जाएंगे और नए स्पॉन लेंगे। हालांकि अच्छे लेवल के भी आने के चांस है, आप देखो यहाँ पे बहुत डायनोस होते हैं बट यहाँ पे कोई भी नहीं है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा संभाल के रहना इस चीज़ को लेके, बाकी सिंपली आपको जो है यहाँ से जाते रहना है। और टाइडी सेव का प्लीज़ उतना ध्यान रखना, वरना बाद में बोलोगे भाई मेरा ब्रोंटो का आ गया, मैंने तो ट्रैप करके रखा था, ये मतलब जो भी आपने ट्रैप किया ब्रोंटो ही नहीं। बाकी सिंपली फिर आपको सीधे सीधे ऐसे ऐसे जाते रहना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जंप मारनी है, आप यहाँ पे चाहो तो स्ट्रक्चर भी लगा सकते हो, फिर यहाँ पे वापस एक बार टाइडी सेव करना। क्योंकि हर एक दो मिनट में जो डायनो स्पॉन होने स्टार्ट होते हैं, अगर उसके बीच हम लोग टाइडी सेव करें और यहाँ से जंप नहीं मारनी, सीधा आगे जाना है, मार लोगे जंप, एक जंप है वैसे बट वहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो आपको ऐसे सीधे सीधे एक सेकंड, वो देखो नीचे वहाँ पे ना एक्सप्लोर नोट का है, तो वो वहाँ पे मैं तुम लोग को बता, अब देखो यहाँ पे जंप मारनी है, वो पिछल नहीं मारनी, यहाँ पे जो है आपको चाहो तो आप साइड से मार सकते हैं, आप सीधा भी कूद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर ऐसे सिंपली जंप मार लो, आप चाहो तो सीधा वहाँ से ही कूदो, रनअप रहेगा मस्त। फिर यहाँ पे दो रास्ते आएंगे, तो आपको जो इस जगह पे जाना है सीधे सीधे फिर यहाँ से जाते रहना है। और यार वो टाइडी सेव का ध्यान रखना। बाकी देखो अभी ये जो लोकेशन है यहाँ से आपको यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे लगे तो वापस एक बार टाइडी सेव करो, टाइम टू टाइम करते रहो ताकि डायनो स्पॉन ही ना ले। उसके बाद यहाँ पे ये दो रास्ते आएंगे, आपको सिंपली इस रास्ते पे जाना है, होपफुली तुम समझ रहे हो ना, रुको मैं वापस बता देता हूँ। देखो मैं नहीं चाहता तुम्हें कन्फ्यूजन हो, ठीक है, अब ये जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ से सीधा यहाँ पे आने के बाद ये स्टोन से आपको इधर जाना है, ठीक है, वीडियो देख के तुम इजीली पता चल ही जाएगा, बताने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफैक्ट आता है तो यहाँ पे रास्ता मत भटकना। बाकी उसके बाद सिंपली एक सेकंड, कुछ आया क्या उड़ के, उसको ऐसे उड़ने का आवाज़ ऐसा लगा, मेरे को बैट स्पॉन ले लिया, एक सेकेंड, ये लोग, अरे बाप रे पूरी दुनिया खत्म हो गई, ये दोनों स्पॉन कैसे ले लिया। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको टाइडी सेव के बारे में ज़्यादा नहीं पता, यहाँ पे आप चाहो तो वापस कर सकते हो ताकि वापस जा मतलब वापस जाना हो। बाकी आर्टिफैक्ट फिर आपको इन्वेंट्री में ले लेना है। और हाँ, अगर आपको टाइडी सेव के बारे में नहीं पता तो आप बिना टाइडी सेव के चेक कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पीछे का रास्ता मेरे को नहीं पता, इसलिए यहाँ का स्किप कर देते। सो पीछे शायद कुछ नहीं वहाँ पे, बट यहाँ से भाई मेरे को लगा पत्थर सिर्फ दिखने के लिए इनविजिबल है। सो फिर यहाँ से सिंपली आपको जो है जंप मारनी है। मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी तो नहीं समझा रहा ना, मतलब मेरे को टाइम लेना चाहिए क्या समझाने में, होपफुली तुम्हें कोई डाउट ना। अभी देखो यहाँ पे जाना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये वाली लोकेशन से हम आए थे, वो मार के याद रखना लगे तो। फिर यहाँ पे पानी भी नहीं पीना हो तो तुम पी सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑफकोर्स ये जाता, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनो, ठीक है, और पानी से आ जाए, यहाँ पे देखो तुम्हारी हेल्थ जाती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है फायर आता है, मतलब फायर ही बोल रहा हूँ, ओवर हीटिंग होती है। सो इस वजह से जो है तुम लोग की हेल्थ जाएगी, और यहाँ से जंप नहीं मार सकते तुम लोग, सिंपल सी चीज़, जहाँ से हमने साइड से जंप मारी थी तो यहाँ पे आप लोग जंप नहीं मार सकते, आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से कोई वे नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने रिहर्सल किया और स्टडी किया अभी इसकी तो मेरे को नहीं पता। बाकी आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से ऐसे आओगे तो यहाँ पे सिंपली इस साइड चले जाना, एक एक्सप्लोर नोट भी है। सो मैं वीडियो में एक्सप्लोर नोट की लोकेशन नहीं दे रहा, बट स्टिल यहाँ पे एक है तो मैं बताता हूँ, ये वाली लोकेशन का मेरे को नहीं पता, आपको सिंपली जो ऐसे सीधे सीधे ऐसे नीचे जाते रहना है,
उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे वापस चाहो तो वापस एक बार जो है टाइडी से वो कर सकते हो, करते रहो भाई, डाइनो स्पॉन ही नहीं लेंगे तो बिना स्वॉर्ड के आराम से टॉर्च लेके घूम सकते हो तुम लोग। बाकी एक्सप्लोर नोटे से खोल लेना, वैसे मैं बताता नहीं हूँ वीडियो में बट ये है तो खोल लेना, क्योंकि हम लोग को जाना यहीं से पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से तो मेरे को नहीं पता खोद सकते कि नहीं, बट यार ये भी ईजी रास्ता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ पीछे पड़ गया कि मैं कह दूँ कोई नहीं, सीधा यहाँ से फिर आपको सिंपली ऊपर जाना है और कुछ खास नहीं, फिर इसके बाद तो सिंपली आपको यहाँ से जाना है ऐसे सीधे 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 सीधे, फिर ऐसे एक जंप मारो, उसके बाद वापस से सीधे 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 ऐसे जाते रहना है। बहुत ईजी के वे, होपफुली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जस्ट अगर तुम्हें कुछ समझे नहीं तो वीडियो को ध्यान से देखना, फिर आप एक टाइडी सेव करो, क्योंकि बहुत बार सामने डायनोज होते हैं, वैसे यहाँ से रेंडर हो जाते हैं डायनो, तो यहाँ पे इससे थोड़ा पहले कर लेना, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसे नहीं नसीब से यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो बस इधर देखिए फिर डायनो रहते हैं, फिर आगे कुछ खास नहीं रहता, सो बस यही तक रहता है, और बहुत ही इजीली तुम लोग इस केव को कंप्लीट कर सकते हो। टेम्स के साथ अगर तुम्हें इसे कंप्लीट, यहाँ से दोनों सेम है वैसे बता दूँ तुम्हें, जस्ट वो थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन होता है तो मैं गोल घूम लिया, बट दोनों भी सेम ही है, सो कुछ थोड़ा बस वो कन्फ्यूजन के लिए दिया है सालों ने, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे टेम्स में आप चाहो तो डायरवुल्फ लेके आ सकते हो, आई थिंक रैप्टर्स लेके, टैबर काफ़ी अच्छी उड़ी सकती है, 2500 तक एक्सपी मिले वैसे देखा जाए तो। बाकी और भी चीज़ें आप मतलब भालू वगैरह नहीं चलेगा क्योंकि जम नहीं मार सकते, बट स्ट्रीट स्पीड में मार ली तो काफ़ी अच्छे, मेरे को फीलिंग नहीं है बढ़िया। सो होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इस केहो को कंप्लीट करना है, फिर ग्राफिक तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो तुम्हारी, वैसे देखो जिनका क्रैश नहीं मारने वाला उन्हें गारंटी है बहुत तगड़ा फ़ोन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो, बट अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है तो भाई तुम टाइम टू टाइम मैनुअल सेव करो, जिनको लगता है लो में भी उनका एकदम सबसे कम रिजोल्यूशन में तक जिनका क्रैश मारने का डर है बार बार मैनुअल सेव करते रहो, अभी ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, या फिर नया फ़ोन ही खरीदना पड़ेगा, बट कोई नहीं, मैं आर्टिफैक्ट पहुँचता हूँ वहाँ पे, आई मीन ऑब्लिकैस वहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि लूट क्या क्या मिलती, वो भी मैं क्लियर करके जाता हूँ आज, ठीक है ओके। सो हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्लिक के ऊपर, ऑब्लिका आर्टिफैक्ट, मैं पता नहीं इसको कोई आर्टिफैक्ट बोलने लग जाता हूँ, फिर सिंपली आपको इसे ट्रिब्यूट करना है, फिर आपका सामान ओवरसियर के पास जाएगा, अरे ओवरसियर के पास जाएगा, फिर वो आपको सामने से आर्टिफैक्ट लेके उसके बदले गिफ्ट देगा, फिर वेट करो, वेट करने में मज़ा है, फिर आपको यहाँ पे लूट दिखेगी आपकी। और हाँ ये चीज़ें ऑफकोर्स भाई 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 कसम से बोलता, अगर ये चीज़ मैंने पहली कर ली होती मेरे को बहुत दिक्कत नहीं आती अपनी लाइफ में, असेंडेंट का था यार वो भी बना बनाया मिलता है बढ़िया। सो इस तरीके से आपको ये पैंट वेंट भी मिलती है, सो या ऐसी लूट मिलती है और बनी बनाई मिलती है तो अच्छी बात है। बाकी इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ मिलता है कि नहीं तुम लोग देख लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता, इसमें ग्राइंडर नहीं मेरे पास तो, वरना मैं बता भी देता, क्या करे भाई रेडवुड की फाइल है। बाकी चलो छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, होपफुली आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से इस केव को कंप्लीट करना है। बाकी अभी रात होने वाली है, मेरा भी सोने का वक्त हो चुका है, बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।